हेलो एग्री स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन एग्री एकेडमी में। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं UPPSC और साथ में साथ UP SSSC AGTA के लिए सेट नंबर 3, जिसमें आपके जो है इम्पोर्टेंट MCQs जो है डिस्कस करते हैं आपके जो सेट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो कृषि के अति महत्वपूर्ण वस्तु निष्पर्ष, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ए सेट आपका जो है तीसरे नंबर का है। डेली आपका सुबह 7 बजे लाइव क्लास होती है या प्रीमियर के रूप में आपको देखने को मिलती है। बात करें आज की मोटिवेशनल कोट की, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। देखो जिंदगी में सब कुछ संभव होता है, चाहे आप देखो आपके प्रयास डिपेंड करते हैं कि आप प्रयास किस वे में कर रहे हो। देखो संभव सब कुछ है करने का, आपको मेहनत जितनी करोगे, आपका जो हार्ड वर्क तो आप करते हैं, साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, ठीक है। तो सब कुछ संभव है। अगर कि आप सोच रहे हो कि इस साल PCS में जॉब चाहिए है, UPPSC या फिर कहें आपका AGTA की जॉब चाहिए, यदि आपने सोच लिया है तो आप कर भी सकते हैं। तो डेली लाइव क्लासेस में आप जुड़ जाइएगा विजन एग्री एकेडमी से। आज जो है सेशन को शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आपको बता दूं 50 डेज सुपर सिलेक्शन प्लान के बारे में। बहुत बार इसके बारे में बता भी चुका हूं। इसमें आपको मिलने वाले टॉपिक वाइज 50 जो है सेट पेपर, जिसमें आपके फुल लेंथ रहने वाले, मतलब कि टॉपिक वाइज 65 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के रहने वाले हैं, 15 कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन आपके रहने वाले UPG के। पूरा पैटर्न के अकॉर्डिंग है। इसका प्राइस आपका 249 रुपए है, ठीक। अगला योद्धा बैच है हमारे कृषि के योद्धाओं के लिए, हमारी तरफ से एक योद्धा बैच, जिसमें जो है संपूर्ण कोर्स या फिर कहें UPG के कंप्यूटर और कृषि सारा का सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। क्लासेस भी मिलेंगी, वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस, साथ में साथ आपको PDF नोट्स मिलेंगे। 5,000 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको साथ में साथ 50 जो है फुल लेंथ टेस्ट पेपर मिलने वाले, किसके अंदर आपका योद्धा बैच के अंदर। सुपर सिलेक्शन की तरह ये भी आपका जो है सुपर से ऊपर सिलेक्शन करवाने वाला प्लान है, ठीक है। तो आज जो है आज की क्लास में जो होने वाले हैं धान की खेती के महत्वपूर्ण प्रश्न, बढ़िया से आंसर करिएगा, ठीक है। आपके कुछ 30 के समथिंग MCQs है, ठीक। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, पहले इंक ले लेते हैं हम। लिखा हुआ है ब्यूसनिंग प्रक्रिया किस फसल में संबंधित है, या फिर कहें ब्यूसनिंग प्रक्रिया किस फसल से संबंधित है, केला से, बाजरा से, ज्वार या फिर कहें धान। तो नॉर्मली देखो ब्यूसनिंग क्या होता है कि क्रॉस प्लाउ, जैसे कह सकते हैं कि जब आपकी फसल आपने फसल लगा तो दी है, बो तो दी है, लेकिन आपकी जो है उगी नहीं है, जर्मिनेट नहीं हुई है, तो उससे पहले हम क्या कहते हैं, आड़ी तिरछी जुताई, या फिर कहें आपकी क्रॉस प्लाउइंग करना आपका क्या कहलाता है, व्यूशनिंग कहलाता है। और ये किस में किया जाता है, आपका धान के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन यहां पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है, धान, ठीक। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है आपका। लिखा हुआ है व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पैटी इन MM, धान की पानी की आवश्यकता मिमी में क्या है, 1100 MM, 1250 MM, 1000 MM या फिर कहें आपका 800 मिमी। जल्दी से आंसर कीजिए ABC या फिर डी, क्या होगा सही। बेसिकली आपको 1 kg राइस के उत्पादन के लिए, या फिर कहें 1 किलो हमें अगर कि राइस का उत्पादन करना है, धान का उत्पादन करना है, तो हमें कितने एमएम पानी की आवश्यकता होती है, 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, किसके लिए, 1 kg राइस पैदा करने के लिए। तो नॉर्मली ये कह सकते हैं कि आपका जो है 1250 MM या कहें सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक तो देखो आपका गन्ना को आपका 2400 MM की आवश्यकता होती है, लेकिन आपका जो है फसलों में या फील्ड क्रॉप में नॉर्मली आपका जो ये कह सकते हैं एक मौसम के अंदर होती है, वो उसमें आपका कितना 1250 MM। तो नॉर्मली धान के लिए कितना पानी चाहिए आपका, 1250 MM। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी
सही हो जाता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैमिली ऑफ राइस, निम्नलिखित में से कौन से चावल की परिवार है, पोएसी, लेग्यूमिनेसी, ग्रेमनी या फिर कहें ए एंड सी दोनों, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से आंसर कर दीजिए अपना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चावल का परिवार है, तो बेसिकली हमें पता है पोएसी को किस नाम से जानते हैं, आपका ग्रेमनी, ग्रेमनी या घास को, तो यहाँ पर आपका ए भी सही आंसर है और सी भी सही आंसर है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ए एंड सी बूथ ए और सी दोनों यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ हमें जाना पड़ेगा क्योंकि ग्रेमनी और पोएसी दोनों ही परिवार किसके हैं, आपके धान के हैं। ठीक, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 4, यहाँ पर ए एंड सी दो है सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है आपका, विच राइस ग्रो इन वेस्ट अफ्रीका ओनली, कौन सा चावल केवल पश्चिम अफ्रीका में उगता है, ओराइजा ग्लेबिरिमा, ओराइजा सेटाइवा या फिर कहें टिटिकम एस्टिवम जियामेज। बेसिकली टिटिकम एस्टिवम तो गेहूं का बॉटेनिकल या वानस्पतिक नाम है और जियामेज किसका, आपका मक्का का वानस्पतिक नाम है। तो यहां पर आंसर कीजिए कि पश्चिम अफ्रीका में कौन सा चावल उगाया जाता है। बेसिकली हमने जो है एक क्लास दी हुई है आपको धान की खेती पर, ठीक है, तो वो नॉर्मली ये कहें कि साइड में बैठे हुए हैं हम, तो उतना क्लियर नहीं है, लेकिन हम जो है आपको एक एक्स्ट्रा क्लास आपको दे देंगे किस पर, आपकी धान की खेती पर, क्योंकि बेसिकली पहले क्या था हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, अभी जो है 1 मई को डिलीवर्ड हुआ है, स्टूडियो सेटअप किया हमने, ठीक है, फिर आपके लिए बढ़िया से क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, तो अब जो है आपके लिए जो है बढ़िया से क्लास होने वाली है, तो जुड़े रहिए विजन एग्री एकेडमी से, आपको जो है धान की जो पिछली क्लासेस है उसको दोबारा से आपको रिपीट करवा देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो जो आपका ओराइजा ग्लेबिरिमा है, ये कहाँ, सॉरी ओराइजा ग्लेबिरिमा है, ये कहाँ पर उगाया जाता है, आपका पश्चिम अफ्रीका या फिर कहें वेस्ट अफ्रीका में उगाया जाता है, तो ओराइजा ग्लेबिरिमा यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 5, राइस इन्फ्लुएंस इज नोन एज, चावल के पुष्पक्रम को किस नाम से जाना जाता है, पेनिकल, एरो, एक्जिलरी या फिर कहें आपका हेड, ए बी सी या फिर डी, राइस इन्फ्लुएंस इज नोन एज, चावल के पुष्पक्रम को किस नाम से जाना जाता है, पेनिकल, एरो या फिर कहें आपका एक्जिलरी या हेड। बेसिकली जो आपका चावल का पुष्पक्रम होता है उसे तो हम क्या कहते हैं बच्चों, पेनिकल कहते हैं। एरो जो होता है आपका किसका पुष्पक्रम होता है, आपका गन्ना का पुष्पक्रम होता है, किसका पुष्पक्रम होता है बच्चों, गन्ना का पुष्पक्रम। एक्जिलरी नॉर्मली आपका पल्स क्रॉप या कहें दलहनी फसलों का जो है पुष्पक्रम होता है। हेड नॉर्मली आपका ये कह सकते हैं सनफ्लावर का जो है पुष्पक्रम प्रकार होता है। ठीक, तो इनको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। यहाँ पर आंसर की बात करें तो आंसर हो जाता है आपका क्या, पेनिकल। ठीक है, पेनिकल ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ है आपका, विच जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन राइस, चावल में वोनेपिन के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी है, डी जी वो जीन, नोरिन 10, RHT1 या RHT2, कौन सा जीन जो है चावल में बोनेपन के लिए जिम्मेदार है, ए बी सी या फिर डी, जल्दी से आंसर कर दीजिए। यहां पर बात करें सही उत्तर की तो सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए डी जी वो जीन, जो आपका नोरिन 10 है या किसमें आपका गेहूं के अंदर बोनेपन के लिए जिम्मेदार है, RHT1 और RHT2 भी आपके गेहूं के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, आंसर क्या हो जाता है डी जी वो जीन। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट इन राइस प्रोडक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल उत्पादन में प्रथम है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर कहें आपका पश्चिम बंगाल, जल्दी से आंसर करिएगा ए बी सी या फिर डी, क्या होगा यहाँ पर सही उत्तर, जल्दी से अपना आंसर लिख दीजिए, ए होगा, बी होगा या फिर कहें सी होगा या फिर डी होगा।
बात करें बच्चों यहाँ पर सही आंसर की, तो जो आपका उत्पादन होता है, ठीक है, ये कहें आपका उत्पादन होता है चावल का, वो सबसे अधिक कहां पर होता है आपका, वेस्ट बंगाल के अंदर होता है, या फिर कहें पश्चिम बंगाल के अंदर होता है, तो आंसर तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का हो जाता है, ठीक है। तो बात करें आपके उत्पादन की, तो सबसे अधिक आपका पश्चिम बंगाल में होता है, ये कह सकते हैं आपका, जैसे कह सकते हैं कि पूरे के पूरे राज्य में जो टोटल उत्पादन है भारत में कहें तो सबसे अधिक कहां पर उत्पादन, पश्चिम बंगाल में। प्रोडक्टिविटी उत्पादकता की बात करें तो वो आपका कहां पर अधिक है, पंजाब के अंदर, और एरिया या क्षेत्र की बात करें तो वो आपका कहां पर अधिक है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक। तो यहां पर जो सही आंसर आपका पश्चिम बंगाल हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, Which of the following variety of rice is known as miracle rice in India? निम्नलिखित में से चावल की किस किस्म को भारत में चमत्कारी चावल के रूप में जाना जाता है, जया को, टाइचिंग नेटिव वन को, जगन्नाथ को, या ल्यूनी श्री को? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या डी। बेसिकली बात करें यहाँ पर सही आंसर की, तो सही आंसर तो आपका जो है भारत में मिरिकल राइस जिसे जाना जाता है वो है आपकी जया किस्म, मिरिकल राइस के रूप में किसे जाना जाता है आपका, जया को, ठीक। बात करें टीएन वन की, टाइचिंग नेटिव वन की, तो ये जो है पहली किस्म थी जो भारत में लाई गई थी, पहली किस्म धान की, पहली किस्म जो कि भारत में लाई गई थी, कौन आपकी जो है, टीएन वन। जगन्नाथ की बात करें तो ये आपकी धान की उत्परिवर्ती किस्म है, कैसी है, उत्परिवर्ती किस्म है, कौन आपकी, जगन्नाथ। ल्यूनीश्री की बात करें तो यह लवणता सहनशील किस्म है, कैसी है, लवणता सहनशील किस्म। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा राइस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जया को हम जो है मिरिकल राइस कहते हैं, भारत में चमत्कारी चावल। बात करें विश्व में चमत्कारी चावल कौन सा है, विश्व में चमत्कारी चावल कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। विश्व में चमत्कारी चावल की बात करें तो वो है आपका कौन सा, IR8। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में चमत्कारी चावल कौन सा है और विश्व में चमत्कारी चावल कौन सा है, विश्व में IR8 है और आपका भारत में कौन सा है, आपका जया है, ठीक। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, किसके बारे में आपका, धान के बारे में, ठीक। पहले हम कुछ मार्कर ले लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा सही से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हमने ले लिया है, इसको हमने साइड में रख लेते हैं, यहां से इरेज बॉल कर देते हैं, ठीक। राइस के बारे में बात करें तो धान का जो वानस्पतिक नाम होता है, क्या, वानस्पतिक नाम क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा, इसका क्या होता है, बॉटनिकल नेम होता है। परिवार की बात करें तो परिवार या कुल की बात करें तो परिवार इसका क्या है आपका, ग्रेमनी या पोएसी, परिवार क्या है इसका, ग्रेमनी या पोएसी है, ठीक है। आगे बात करें उत्पत्ति की तो उत्पत्ति स्थान इसका है आपका दक्षिण पूर्व एशिया, उत्पत्ति स्थान जो है इसका क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक, एशिया, इसको हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, एशिया, ठीक, दक्षिण पूर्व एशिया इसका जो है उत्पत्ति स्थान है, ठीक। बात करें गुणसूत्र संख्या की तो गुणसूत्र संख्या इसका कितना होता है आपका, क्रोमोजोम नंबर, गुणसूत्र संख्या जो होता है कितना होता है,
24 होता है, कितना होता है 24 होता है, ठीक। तो ये नॉर्मल नॉर्मल सी जानकारी हो जाती है आपकी धान के बारे में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक मिनट, अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 9। Which rice is grow in temperate and subtropical region and also grow in Japan? कौन सा चावल समशीतोष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है और जापान में भी उगाया जाता है? ऑप्शन ए इंडिका, बी जैपोनिका, सी आपका जापानिका, डी भूत, एंड ए एंड सी दोनों। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही आंसर? बात करें बच्चों सही आंसर की, तो सही आंसर तो आपका क्या हो जाता है, जैपोनिका। बेसिकली जो जापान में उगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जैपोनिका। जो आपका जापान में उगाया जाने वाला जो धान है वो आपका कैसा होता है, उपोष्णकटिबंधीय होता है। कैसा होता है, उपोष्णकटिबंधीय। जो भारत में उगाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय होता है, और एक जो है जापानिका जो कि आपका जंगली रूप से उगाया जाता है, जिसे नॉर्मली आपका ये कह सकते हैं बलू चावल या बालू राइस के नाम से भी जानते हैं, किसे, जापानिका। तो देखो यहां पर इंडिका, इंडिका कहां पर उगाया जाता है आपका, भारत में, ठीक। जापानिका कहां उगाया जाता है आपका, जापान में, ठीक। और आपका जापानिका कहां उगाया जाता है आपका, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के अंदर उगाया जाता है आपका, कौन सा, आपका जापानिका, ठीक, इंडोनेशिया में। इसे बालू राइस के नाम से भी जानते हैं, बालू चावल, बालू चावल के नाम से भी जानते हैं, किसे, आपका जो है इंडो, जो आपका जंगली रूप से उगाया जाता है, या फिर कहें आपके जापानिका को हम बालू चावल के रूप में भी जानते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, यहाँ पर आंसर तो देखो आपका हो जाता है जापानिका, ठीक। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ राइस सोन अप्रैल मई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। किस प्रकार का चावल अप्रैल मई में तो बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है? ऑस राइस, ऑटोमन, या फिर शरद ऋतु का चावल, अमन राइस या खरीफ, या फिर अमन या खरीफ ऋतु का चावल, बोरो या स्प्रिंग बोरो या बसंत ऋतु, बलू या फिर कहें बलू चावल। सही से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी, वह चावल जो आपका अप्रैल मई में तो बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। जल्दी से आंसर कीजिए, ए बी सी या फिर डी। बात करें बच्चों यहाँ पर सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाता है ऑस राइस, या फिर कहें शरद ऋतु का चावल, ठीक है। ऑस राइस या ऑटोमन या शरद ऋतु वाला चावल जो है अप्रैल मई में तो बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। अमन की बात करें तो अमन जो है नॉर्मली आपका जून जुलाई में तो बोया जाता है। अमन कब बोया जाता है आपका, बुआई की बात करें, बुआई, ठीक, बुआई कब की जाती है आपकी, जून जुलाई में, या फिर खरीफ सीजन में, ठीक, जून जुलाई, ठीक, जून जुलाई में तो बुआई की जाती है, और हार्वेस्टिंग की जाती है कब, नवंबर दिसंबर में, ठीक, कब की जाती है, नवंबर दिसंबर के अंदर, ठीक, दिसंबर, हार्वेस्टिंग कब की जाती है, नवंबर दिसंबर के अंदर। आगे बात करें बोरो या स्प्रिंग धान की या फिर बोरो राइस की, तो इसकी बुआई की जाती है आपकी नवंबर दिसंबर में। बुआई कब की जाती है, नवंबर दिसंबर के अंदर, ठीक है। और जो कटाई की जाती है वो अप्रैल मई के अंदर की जाती है। कब की जाती है, या फिर कहें मार्च अप्रैल के बीच की जाती है। किसकी, आपकी बोरो धान की, मार्च अप्रैल के बीच, कब, मार्च अप्रैल के बीच कटाई की जाती है, कटाई, कटाई कब की जाती है आपकी, मार्च अप्रैल के बीच या अप्रैल मई के बीच, ठीक है। तो नॉर्मली आपका जो ऑस राइस है या शरद ऋतु वाला धान है वो अप्रैल मई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। अमन राइस या फिर कहें आपका जो खरीफ ऋतु का चावल होता है जून जुलाई में बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। और आपका बोरो या स्प्रिंग जो बसंत ऋतु का चावल होता है नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, मई अप्रैल में, सॉरी मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 11 लिखा हुआ है, व्हाट टेम्परेचर रिक्वायर्ड एट ब्लूमिंग स्टेज। ब्लूमिंग स्टेज पर किस तापमान की आवश्यकता होती है, 36 से 38, 21 से 37, 26.5 से 29.5 या 20 से 22 डिग्री से। कितना तापमान जो है ब्लूमिंग स्टेज पर चाहिए होता है, तो बात करें सही आंसर की तो वो आपका चाहिए होता है ऑप्शन सी 26.5 से 29.5। पूरी ग्रोथ ये आपने कहे आपकी वृद्धि अवस्था में 21 से 37 डिग्री से तापमान चाहिए होता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। मोस्ट सुइटेड पीएच फॉर राइस कल्टीवेशन इज, चावल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पीएच है 4 से 5, 5, 5 से 6.5 या फिर 7 से 7.5 या 7.5 से 8। तो बात करें पीएच की किसके लिए आपका, राइस की, तो राइस के लिए जो आपको सामान्य पीएच या फिर कहें आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन जो चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है आपका 5 से 6.5। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ राइस थ्रू ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग विधि से चावल की बीज दर क्या होती है, 100 केजी प्रति हेक्टेयर, 60 केजी प्रति हेक्टेयर, 15 केजी प्रति हेक्टेयर, 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर। बेसिकली आपका जो सीड रेट होती है वो कितनी चाहिए होती है ड्रिलिंग मेथड से, 60 केजी प्रति हेक्टेयर। और बात करें ब्रॉडकास्टिंग से, छिड़कवा विधि से, तो कितनी चाहिए होती है छिड़कवा विधि से चाहिए होती कितनी, 100 केजी प्रति हेक्टेयर और 5 से 6 केजी किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एसआरआई विधि से चाहिए होती है। और आपका जो 15 केजी कोई सी रेट नहीं होता है आपका धान के अंदर। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है भाट स्पेसिंग अडोप्टेड फॉर हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड धान के लिए कितनी दूरी अपनाई जाती है, तो वो अपनाई जाती है बच्चों आपकी कितनी, 20 गुणा 15 सेंटीमीटर हाइब्रिड राइस के लिए, आप कहें संकर धान के लिए दूरी अपनाई जाती है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 है, उफरा डिजीज इन राइस इज ड्यू टू, धान में उफरा रोग किसके कारण होता है, डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कमी से डिफिशियंसी ऑफ जिंक, जिंक की कमी से डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन, बोरॉन की कमी से अटैक ऑफ नेमेटोड, नेमेटोड के आक्रमण के। बेसिकली उफरा रोग जो होता है वो आपका किसके कारण होता है, नेमेटोड के कारण या फिर अटैक ऑफ नेमेटोड, डिटिलेंचस एंगस्टस हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, डिटिलेंचस जो नेमेटोड होता है उसका नाम क्या है लिख लीजिए, कभी पूछ लिया कि जो उफरा रोग का नेमेटोड है उसका नाम क्या है, डिटिलेंचस एंगस्टस। ठीक, ये आपका नेमेटोड है जिसके कारण आपका क्या होता है, उफरा रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 लिखा हुआ है, अक्योची डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी कॉल्ड बाय, चावल का अक्योची रोग विषाक्तता के कारण, किसकी विषाक्तता के कारण होता है, जिंक, आयरन, H2S या फिर कहें फास्फोरस। जो आपका अक्योची रोग होता है धान का वो किस कारण से होता है, जल्दी से आंसर कर दीजिए ए बी सी या फिर डी। बात करें सही आंसर की तो अक्योची रोग जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड की विषाक्तता या फिर कहें H2S की विषाक्तता के कारण होता है, कौन सा आपका अक्योची रोग, किसमें आपका धान के अंदर। ठीक, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है आपका, ओराइजा सेटाइवा इज अ बॉटेनिकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, ओराइजा सेटाइवा निम्नलिखित में से किस फसल का वानस्पतिक नाम है, किस फसल का है आपका, चावल का, भी याद पढ़ रहे हैं ना, ओराइजा सेटाइवा आपका किसका साइंटिफिक नेम है, चावल का। ठीक, आगे चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इज लोकेटेड एट, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद के अंदर, नई दिल्ली, भोपाल या करनाल। तो जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है वो कहां पर स्थित है आपका, हैदराबाद के अंदर। तो यहां पर सही आंसर हो जाता है क्या, हैदराबाद। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है आपका, ये जो अभी अभी एग्जाम हुआ था बीपीएससी बीएओ का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, पैडी खेरा डिजीज, गेहूं आपका विट के ग्रासी सूट डिजीज, आपका ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली टिक्का डिजीज, या फिर क्या पोटैटो लीफ ब्लाइट। देखो धान के अंदर खैरा रोग होता है, ठीक है, गेहूं के अंदर ग्रासी सूट डिजीज नहीं होती है। ग्रासी सूट डिजीज आपकी किसके अंदर होती है, गन्ना के अंदर, किसके अंदर होती है आपकी, गन्ना के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होता है, गन्ना होता यदि होता, और मूंगफली में आपका टिक्का रोग होता ही है, और पोटैटो में आलू में लेट ब्लाइट या पछेती झुलसा रोग होता ही है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाता है, ऑप्शन बी वीट ग्रासी सूट डिजीज, ठीक है, यहाँ पर सही आंसर आपका जो है ऑप्शन बी हो जाता है, ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है आपका, लिखा है द यूज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी एज अ बायो फर्टिलाइजर विल बी मोस्ट यूजफुल विच क्रॉप, जैव उर्वरक के रूप में नील हरे शैवाल का उपयोग किस फसल में सर्वाधिक उपयोग होता होगा, वर्सीम में, मक्का, आपका धान, या फिर कहें आलू। तो बेसिकली बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक के रूप में ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग जो किया जाता है वो किसके अंदर किया जाता है, आपका धान के अंदर। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाता है, पैडी या धान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI वाज डेवलप्ड बाय हूम, चावल का सघनीकरण प्रणाली SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया था, हेनरी डी लॉली ने, विलियम गॉर्ड, पुष्कर नाथ, या फिर कहें आपका मिल्टन विटनी, ठीक है। हेनरी डी लॉली ने की बात करें तो इन्होंने जो है SRI या फिर कहें जो है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन दिया। इसमें क्या था कि अधिक से अधिक जो आपके रिसोर्स है उनका प्रयोग कर अधिक से अधिक धान को उगाना, ठीक है, किसका, आपका SRI का लक्ष्य था। तो विलियम गॉर्ड ने जो है आपका ये कह सकते हैं कि जो हरित क्रांति शब्द है वो दिया था, और पुष्कर नाथ ने आपके जो खैरा रोग है, ठीक है, उसकी खोज की थी। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाता है, आपका हेनरी डी लॉली ने। अगला प्रश्न, एजोला बायोफर्टिलाइजर मेनली यूज्ड इन, एजोला जैव उर्वरक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है ज्वार के अंदर, धान के अंदर, फिंगल मिलेट या रागी के अंदर, या फिर कहें मक्का के अंदर। तो सही आंसर की बात करें तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है धान। तो एजोला का बायोफर्टिलाइजर या एजोला जैव उर्वरक का प्रयोग किसमें किया जाता है, आपका धान के अंदर किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, इन विच राइस लॉजिंग डज नॉट अकर, किस धान में आवास नहीं होता, या फिर कहें आवासन, या फिर कहें गिरना नहीं होता, इंडियन राइस में, इंडिका धान में, जैपोनिका राइस जैपोनिका धान में, जावानिका राइस जावानिका धान में, आलोप दी, कौन सा धान जो है गिरता नहीं है या लॉजिंग नहीं होती, या फिर कहें आपके फसल नहीं गिरती है। तो सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी जैपोनिका राइस, जैपोनिका राइस नॉर्मली गिरता नहीं, या फिर कहें इसकी जो है ये जो है पानी से, या फिर कह सकते हैं गिरता नहीं, या फिर आड़ा नहीं होता, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 लिखा हुआ है, क्रॉप बीड कंपटीशन पीरियड इन ट्रांसप्लांटेड राइस इन, धान की रोपाई में फसल खरपतवार प्रतिस्पर्धा अवधि है, आपका जो है ऑप्शन ए 15-25 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, DAT का मतलब होता है डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, लिख देते हैं यहां पर डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है, या फिर कहें रोपण के दिनों बाद, या फिर कहें इतने दिनों बाद, या फिर कहें रोपण के 15-25 दिन बाद, रोपण के 30-45 दिन बाद डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, 25-30 डे आफ्टर ट्रांसप्लांट, 45-60 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, कब जो है बीट कंपटीशन होता है किसमें, आपका धान में सबसे अधिक। तो बात करें सही आंसर की तो वो है आपका 30-45 डे आफ्टर प्लांटिंग, या फिर कह सकते हैं रोपण के 30-45 दिन बाद जो है खरपतवार का, या फिर कहें आपका धान में खरपतवार का कंपटीशन प्रतिस्पर्धा होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस इज कॉल्ड बाय, चावल का भूरी पत्ती धब्बा रोग किसके कारण होता है, हेल्मिंथोस्पायरम ओराइजी, सर्कोस्पोरा RHD कोला, जेंथोमोनास ओराइजी, या फिर कहें पायरिकुलेरिया ओराइजी। बेसिकली बात करें आंसर की तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजी, ठीक है, ऑप्शन ए, या फिर कहें ब्राउन लीफ स्पॉट चावल का भूरा धब्बा जो रोग होता है हेलमिंथो स्पोरियम
ओराइजी के कारण होता है। किसके कारण होता है? हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है। ठीक, ये जो है 1943 में जो आपका हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी है, 1943 में, कब 1943 में, जो बंगाल का अकाल पड़ा था। कौन सा अकाल? बंगाल के अकाल के लिए, बंगाल फेमायन के लिए, बंगाल का अकाल, या फिर कहें बंगाल फेमायन के लिए क्या था? जिम्मेदार था। ठीक, बात करें सर्कोस्पोरा अरेचिडी कोला की, तो यह नॉर्मली किसका रोग है? आपका मूंगफली का टिक्का रोग। मूंगफली का कौन सा रोग? टिक्का रोग। मूंगफली का टिक्का रोग का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? सर्कोस्पोरा अरेचिडी कोला। जेंथोमोनास ओराइजी बेसिकली आपका किसका साइंटिफिक नेम है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो आपका धान के अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, या फिर कहें जीवाणु जनित पत्ती परिगलन। ठीक है, जीवाणु जनित पत्ती परिगलन, और जो आपका पायरिकुलेरिया ओराइजी है, इसका जो साइंटिफिक, या फिर कहें इसकी जो डिजीज, इसे ब्लास्ट ऑफ राइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लास्ट ऑफ राइस, या फिर कहें धान का ब्लास्ट रोग का क्या साइंटिफिक नेम होता है? पायरिकुलेरिया ओराइजी। हेल्मिंथोस्पोरम ओराइजी, चावल का भूरा धब्बा रोग, 1943 में बंगाल के अकाल के लिए जिम्मेदार था। सर्कोस्पोरा अरेचिडी कोला, मूंगफली का टिक्का रोग, जो है सबसे गंभीर रोग है किसका? आपका मूंगफली का। जेंथोमोनास ओराइजी, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किसका? धान का। पायरिकुलेरिया ओराइजी, धान का ब्लास्ट, या फिर ब्लड डिजीज ऑफ राइस। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है आपका, ब्रोनेजिंग ऑफ राइस इज कॉल्ड ड्यू टू विच न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी। चावल में कहां से किस पोषक तत्व की विषाक्तता के कारण, या ब्रोनेजिंग किस पोषक तत्व की विषाक्तता के कारण होता है? मैग्नीज, सल्फर, बोरोन या आयरन। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। बात करें सही उत्तर की, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाता है? आयरन। जो आपका ब्रोनेजिंग होता है किसके अंदर? चावल के अंदर, वो किसकी विषाक्तता के कारण होता है? आपका आयरन की विषाक्तता। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है आपका, राइस टुंगरो वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। धान का टुंगरो वायरस निम्नलिखित में से किस बाघ द्वारा फैलता है? ए एफिड, वी लीफ हॉपर, सी व्हाइट फ्लाई या डी आपका माइट। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ए बी सी या फिर डी। जो आपका राइस का जो टुंगरो वायरस है वो किसका वेक्टर कौन है? ठीक है, तो बात करें सही आंसर की, तो वहां पर आपका सही आंसर हो जाता है क्या? लीफ हॉपर, या फिर कहे पत्ती फुद का, जो आपका एक ऐसे धान के टुंगरो वायरस का क्या होता है? आपका वाहक या संक्रामक होता है। कौन? आपका लीफ हॉपर या पादप फुद का, पत्ती फुद का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 है, व्हाट इज द कॉज ऑफ पैडी ब्लास्ट। धान का ब्लास्ट का कारण है कोचली बोलस माइबीनस, या फिर कहें कोकली बोलस माइबीनस, राइजोक्टोनिया सोलानी, मैग्ना पोर्थे ग्रीसिया और माइकोस्फेरेला ग्रेमनिकोला। माइकोस्फेरेला ग्रेमनिकोला बेसिकली यहाँ पर जो है आपका, जो आपका ब्लास्ट डिजीज होते हैं पायरिकुलेरिया ओराइजी कारण, लेकिन इसकी सब स्पीसीज भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सब स्पीसीज दी गई है आपकी मैगा पोर्थे ग्रीसिया। यहाँ पर जो आपकी पायरिकुलेरिया और सॉरी जो आपका ब्लास्ट ऑफ राइस है, या फिर धान का ब्लास्ट रोग होता है, वो बेसिकली होता तो पायरिकुलेरिया ओराइजा से, लेकिन इसकी सब स्पीसीज कौन सी है आपकी? मेगा पोर्थे ग्रीसिया। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। द ग्रेट बंगाल फेमायन इन 1943 बाय ड्यू टू 1943 में बंगाल का भीषण अकाल किसके कारण पड़ा था? पैडी ब्लास्ट, धान का ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, चावल की पत्ती का भूरा धब्बा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जीवाणु जन पत्ती झुलसा, या फिर कहें राइस टुंगरो। तो बेसिकली हमने बताया था कि जो धान का भूरा धब्बा रोग है, चावल के भूरा धब्बा रोग के कारण जो है बंगाल का 1943 में अकाल पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, धान का भूरा धब्बा रोग। यहाँ पर आंसर नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी धान का भूरा धब्बा रोग क्या हो जाता है, सही उत्तर हो जाता है, ठीक, ब्राउन चावल का भूरा धब्बा रोग। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी होस्ट यूज इज यूज फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एग पैरासिटॉइड, अंडे परजीवी के गुणन के लिए निम्नलिखित में किस प्रयोगशाला होस्ट का उपयोग किया जाता है, राइस वीवल का, चावल का घुन, राइस बटरफ्लाई, धान की तितली, राइस मिली मील मौत या चावल का भोजन मौत, इंडियन मील मौत। तो नॉर्मली आपका जो है आपका अंडे परजीवी के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है राइस मील मौत, चावल का भोजन मौत। ठीक, इसी के साथ जो है आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। 30 क्वेश्चन आपको करवाए हैं जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला जो है 50 डेज सुपर प्लान पहले भी बता चुके हैं, इसको एनरोल करना चाहे तो आप एनरोल कर सकते हैं, योद्धा बैच आप सभी के लिए है। और इसी के साथ जो है आज का सेशन आपका यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, आज जो है हमने चावल के ऊपर आपके क्वेश्चन करवाए हैं। अगला सेशन जो है देखो आपके टॉपिक वाइज सेशन जो है वो तो चलने ही वाले हैं। अभी जो है आपने आपको फील्ड क्रॉप्स का वर्गीकरण करा दिया है, अगली फसल जो है अनाज वाली फसल है। अनाज वाली फसलों में पहली फसल आपकी कराएंगे चावल, फिर आपकी गेहूं, आपकी मक्का भी करवाएंगे, साथ में साथ धान सॉरी आपका जो है रागी ज्वार बाजरा भी करवाने वाले हैं आपकी धान फसलों में। तो आप जो है थोड़ा सा सबर करिए, आपको बैक टू बैक क्लासेस लेके आने वाले हैं एग्रीकल्चर की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों।